चंडीगढ़ में भी 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो गया है। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों की होड़ भी लगने लगी है। वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल और वेलनेस सेंटर में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेयर रविकांत शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ने भी वैक्सीन लगवाई है। इस दौरान मेयर रविकांत शर्मा ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। इधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागपाल ने अस्पताल और वेलनेस सेंटर का दौरा किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 अप्रैल से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की शुरुआत की गई है, जिसका आज पहला दिन था। और पहले दिन ही चंडीगढ़ की हम बात करें तो वैक्सीन लगवाने के लिए काफी संख्या में लोग अस्पताल और वेलनेस सेंटर में पहुंचे, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं इस दौरान हमारी टीम ने वहां वैक्सीन लगवाने आए लोगों से भी बात की, जिनका कहना था कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का यह अच्छा कदम है, यह वैक्सीन और लोगों को भी लगवानी चाहिए ताकि कोरोना की इस महामारी से हम बच सके। देखिए चंडीगढ़ से है एक विशेष रिपोर्ट। मैडम क्या नाम है आपका? मिसेस नीरू शर्मा। मैडम 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग रही है, क्या कहना चाहती है? देखो, इट्स अ वेरी गुड लाइक इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि 45 एंड अबव्स के साथ मोर पीपल विल बी वैक्सीनेटेड एंड देर इज अ कॉन्फिडेंस, यू कैन मूव इन द सोसाइटी विद दिस कॉन्फिडेंस दैट वी आर वैक्सीनेटेड एंड एवरी वन शुड कम फॉरवर्ड फ्रॉम इट। सबको आगे आना चाहिए इसके लिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से ये। थैंक यू सर। क्या हमारा? मेरी 48 है। बाकी जैसे भी सरकार ने जो भी फैसला किया है कि 45 साल के ऊपर जितने भी जो यंग या जैसे भी हैं उन सबको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा फैसला है और इससे लोगों का फ़ायदा ही है। इसको ज़रूर लगवाना चाहिए ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। सर आपने आज वैक्सीन लगाई है, कोई इसका साइड इफेक्ट? अभी लगवा के तो एकदम से किसी को भी कोई साइड इफेक्ट का या किसी चीज़ का पता नहीं लगता। अगर नॉमिनल सा बुखार या कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए पैरासीटामोल एडवाइस करते हैं, वो खाइए और ठीक है। इसका कोई नुकसान तो है ही नहीं, बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट करता है और उस कोरोना को भगाता है। तो बड़ी फाइट है, थोड़ा नीचे कर लेना वैसे। सर जिस तरह से आज 45 उम्र वालों को वैक्सीन लग रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ये सरकार का वेलकम स्टेप है, जो पहले चरण में हेल्थ वर्कर का शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर का शुरू हुआ और बुज़ुर्गों के बाद अभी 45 से ऊपर वालों को जो वैक्सीन लगवाई जा रही है। और इसमें देखिए लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग टीका ऐसा लगवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कुछ लोगों से मैंने बात की है, वो लोग इस दिन की काफ़ी दिनों से उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे और आज उनका सपना पूरा हुआ है, वो यहाँ पर टीकाकरण करवा रहे हैं। ऐसी हालात सेक्टर 16 के अस्पताल में है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग इंजेक्शन के लिए आए हैं आज, टीका लगवाने के लिए आए हैं आज। और इससे डेफिनेटली जो है हमें पूरी उम्मीद है लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसमें कोविड नामक जो संक्रामक रोग है इसका जल्दी से अंत हो जाएगा यदि लोग टीकाकरण में ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहे। सर देखने में आया कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए वैक्सीन के बारे में जब पहले भी हम लोग आपको ये बात कहते आए हैं इस बारे में कि पहले टीके के बाद यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि 100% इस रोग से कि प्रतिशोधक क्षमता शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले टीके के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इसके अंदर, सेकेंड इंजेक्शन के बाद 60-70% लोगों में ये बीमारी नहीं फैलती है। लेकिन इसमें जो कोविड के मानक हैं, जो उसमें मास्क लगाने वाले जैसे आप कहते हैं हम लोग, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जब तक लोग इसके अनुपालना नहीं करेंगे तब तक उनको कोविड का खतरा रहेगा, इस रोग का खतरा रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा मैं कि टीका लगाने का मकसद का मतलब ये नहीं है कि 100% सुरक्षित हो गए हैं। टीका लगाने से आपकी उसकी क्षमता बढ़ेगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, लेकिन यदि आप कोविड के मानकों का पालन करते रहेंगे तो बीमारी का खतरा काफी कम हो जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक